आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। चीन से मंगाया स्पेशल कागज, छापने लगे 500-500 के नकली नोट, पुलिस ने फर्जी गैंग के 6 को दबोचा। महाराष्ट्र के पुणे शहर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां फर्जी वेब सीरीज की तर्ज पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडा फोड़ हुआ है। नकली नोट छापने के धंधे में आईटी डिप्लोमा वाले युवक भी शामिल रहे। पहले उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू किया, ये कारोबार सही से नहीं चल पाया तो उन्होंने नकली नोट छापने की फैक्ट्री खोल दी। पुणे शहर के पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडा फोड़ किया है। इस मामले में पुणे पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट ऑफसेट मशीनों पर छापे जा रहे थे। आरोपी युवाओं 500 के नकली नोटों को एकदम असली की तरह बनाया था। 500 के नकली नोटों की कुल रकम 70,000 रुपए थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इसे जब्त कर लिया है। चीन से मंगाया स्पेशल कागज, पुलिस ने इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए कहा, नोट छापने के काले धंधे में 6 युवा शामिल रहे। इनमें से एक आईटी में डिप्लोमाधारी युवक है। इन युवाओं ने एक नई प्रिंटिंग प्रेस खरीदी थी, इसके बाद प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया। व्यापार में मंदी आ गई, उनका बिजनेस शुरू नहीं हुआ। इसके बाद इन युवाओं ने ऑनलाइन नकली नोट छापने के लिए चीन से स्पेशल कागज मंगवाया। उन्होंने चीन से मंगाए गए कागज पर 500 रुपए के नकली नोट छापना शुरू कर दिया। उन्होंने 70,000 के नोट भी छापे। इन्हें बेचने के दौरान देहुर रोड पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा और फर्जी गिरोह का भंडा फोड़ हो गया। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रिंटिंग प्रेस और चीन से मंगाए गए स्पेशल कागज को जब्त कर लिया है। आरोपियों के पास से 70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुणे पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों ने नकली नोटों को मार्केट सर्कुलेट किया है या नहीं। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस मामले में पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि गिरोह की मदद किसने की और उसने नोट कैसे तैयार किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक देहुर रोड पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने चीन से ऑनलाइन कागज मंगवाया था और उस पर नकली भारतीय करेंसी नोट छापते थे। छापेमारी में 70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋतिक चंद्रमणि खड़से उम्र 22 वर्ष, सूरज श्रीराम यादव उम्र 41 वर्ष, आकाश विराज धंगेकर उम्र 22 वर्ष, सुयोग दिनकर सालुंखे उम्र 33 वर्ष, तेजस सुखदेव बल्लाल उम्र 19 वर्ष और प्रणव सुनील गवने उम्र 30 वर्ष के तौर पर हुई है। आरोपी ऋतिक ने आईटी में डिप्लोमा किया हुआ है, वो एक निजी कंपनी में काम करता है। आरोपी ने प्रिंटिंग व्यवसाय चलाने के लिए पुणे के दिघी इलाके में एक दुकान किराए पर ली थी। इसके बाद एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी, लेकिन प्रिंटिंग का काम नहीं मिला और बड़ा घाटा होने लगा। हालत ये हो गए कि दुकान का किराया भी निकलना मुश्किल हो गया। अन्य खर्चों का भी बोझ बढ़ता जा रहा था। इस बीच आरोपी सूरज ने कहा कि नकली नोट छापने से फायदा होगा, उसे नोटों को डिजाइन करना भी आता था। इसके बाद आरोपियों ने जाली नोट छापने का काला कारोबार शुरू किया। इसके मुताबिक अलीबाबा वेबसाइट से तेजस के पत्ते पर चीन से पेपर ऑर्डर किया गया। 2,00,000 नकली नोट छापने के लिए आरोपियों ने खास कागज चीन से मंगवाया। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।